अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं असद अमान, पोल्ट्री एक्सपर्ट, पोल्ट्री जज, स्टैंडर्ड फार्म इस्लामाबाद से। मेरे पास ये एक मॉडल है वेस्टर्न 1980 का। मैं इसमें आज चूज़े हैच हुए हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके हैचिंग रिज़ल्ट क्या है। अच्छा दोस्तों, इसमें जो ये अक्सर लोग कहते हैं जी कि डिजिटल चीज़ें होती हैं और उसी से रिज़ल्ट होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है जी। इसमें ये देखें, ये एनालॉग इसमें सिस्टम है सारा, इसमें कोई डिजिटल डिवाइस नहीं है। ये एक नमी का मीटर है और ये इसके जो थर्मोस्टेट हैं, ये पुराने माइक्रो स्विचर कैप्सूल वाले, जिन्हें वेफर स्विच वाले कहा जाता है, वो है। इसमें कोई डिजिटल ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। तो मैं आपको इसका हैचिंग रिज़ल्ट दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, इसके अंदर ये ट्रॉली है जिसमें चार ट्रे आ जाती हैं। तो ये मैंने बाई निकाली है, मैं पूरी बाई निकालता हूँ फिर आपको फर्दर दिखाता हूँ। वैसे मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि ये इसके अंदर ये चार ट्रे वाली ट्रॉली है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ इसका फर्दर चिक्स कितने आ चुके हैं। ये दोस्तों देखें कि इसमें से मैंने ये छिलके निकाल रही हैं और चिक्स देखें, ये माशाल्लाह चंद एक अंडे हैं। ये मेरे ख्याल से दो चार पाँच अंडे इसमें होंगे और शायद एक आध अंडा इसमें पड़ा हुआ है, दो अंडे इसमें जो हैच नहीं हुए। बाकी माशाल्लाह से ये देखें, फर्दर एक ट्रे और है, मेरे ख्याल से दो या तीन अंडे इस ट्रे में भी बकाया है हैच होने वाले। बस ये है जी टोटल रिजल्ट। अब ये ज़रूरी नहीं है कि कोई भी आजकल जो जदीद डिजिटल इंक्यूबेटर्स हैं उनके रिज़ल्ट बेस्ट हों और ये पुराने मॉडल्स हैं एनालॉग्स इनके रिज़ल्ट बेस्ट हों, नहीं होते। ये ऐसा नहीं होता, टेक्निकली बस तीन चार चीज़ें चाहिए होता है। आपके ब्रीडर जो हैं उनको गुड न्यूट्रिशन होनी चाहिए, सेकंड जो है वो आपका जो इंक्यूबेटर है उसका टेम्परेचर और बिल्कुल ठीक होना चाहिए, और दिन में अंडों को ज़्यादा से ज़्यादा टर्न किया जाए, और ये और अंडों की जो स्टोरेज है जहाँ पर अंडे रखे जाएँ वो जगह ठंडी होनी चाहिए और कम दिन स्टोर करें, पाँच से सात, पाँच गर्मियों में तो पाँच तीन से पाँच दिन, सर्दियों में जो है वो सात से दस दिन। तो इनसे आपके इंक्यूबेटर का रिज़ल्ट बहुत अच्छा होगा। फर्दर इस हवाले से अगर कोई सवालात हैं या मालूमात आप लेना चाहें तो मेरी दीगर वीडियो मैंने डाली हुई है इंक्यूबेशन के हवाले से, वो देख लें, या अगर आप जो है मुझे कॉल करके या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सवाल भेज दें, मैं इंशाल्लाह आपको फिर उसका तफसीली जवाब दे दूँगा। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।